हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में आप लगे हुए होंगे। जो देश की हालत चल रही है हमारे लॉकडाउन के चलते, तो उसका असर आपकी पढ़ाई पे कुछ नहीं पड़ रहा होगा। और कल का जो हम 3 होमवर्क जो आप लोगों के लिए छोड़े थे, 5.4 का, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, तो बिल्कुल आज शुरू करते हैं उसी होमवर्क के साथ क्लास 8। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये होमवर्क अपने घरों में बना लिए होंगे। अगर आप बना लिए होंगे तो आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं, अपने जो बनाए होंगे उससे आप एक बार मिला लीजिएगा। और कुछ लोग हमें व्हाट्सएप किए थे और कुछ लोग हमें व्हाट्सएप नहीं किए थे। तो जो व्हाट्सएप हमें नहीं किए थे तो वो जो हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसे आप अपने जो बनाए हैं उससे एक बार जरूर मिला लीजिएगा। और अगली बार कोशिश करिएगा कि होमवर्क को आप मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेजें। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये है, हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डीवाई बटा में डी एक्स डी लॉग इंटू लॉग एक्स बटा में डी एक्स। हमने कल आपको बताया था कि एक फॉर्मूला है डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स। ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब जो संख्या डी के साथ, लॉग के साथ जो संख्या लगा हुआ है वही संख्या अगर नीचे हो तो उसका मान हो जाता है 1/x। तो यहां पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ है कि डी लॉग और फिर लॉग एक्स है और नीचे एक्स है, तो हमें इसे पहले ठीक करना पड़ेगा। जब हम इसे ठीक कर लेंगे तो इसका हम आगे बनाएंगे। देखते हैं कैसे संतुलित करते हैं। तो डी लॉग इंटू लॉग एक्स और बटा में यहां पे जो एक्स लिखा हुआ है इसके जगह पे हमें लिखना है लॉग एक्स और जितना से भागा उतना से गुना और बटा में डी एक्स। हम सब जानते हैं कि डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि डी लॉग एक्स का काम आपका ये कर रहा है तो इसलिए यहां पे हो जाएगा 1/x और एक्स के जगह पर आप क्या देंगे, एक्स के जगह पर आप लॉग एक्स को रखेंगे। तो यहां पे लॉग एक्स हो गया, यहां पे भी हो जाएगा 1/x और आगे आप लिख सकते हैं एक्स इंटू लॉग एक्स और ये होगा आपका आंसर। अच्छे से मिला लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम मिलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है 9 नंबर, वाई बराबर कॉस एक्स बटा में लॉग एक्स। यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा और डी कॉस एक्स बटा में लॉग एक्स होगा और बटा में डी एक्स। कोई दिक्कत? यहां पे फिर से हम लिखेंगे कि बी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि डी यू बाई वी बटा में डी एक्स बराबर क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी और माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू और बटा में वी स्क्वायर। आप यहां पे देख रहे होंगे कि यू का काम जो है कॉस एक्स कर रहा है और वी का काम लॉग एक्स कर रहा है, तो जहां जहां फॉर्मूला में हमें यू नजर आ रहा है वहां वहां हम कॉस एक्स देंगे और जहां जहां वी नजर आ रहा है वहां वहां हम लॉग एक्स देंगे। तो इसलिए डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी यू के जगह पे हमें कॉस एक्स को देना है और बटा में डी एक्स और वी के जगह पर लॉग एक्स को देना है, फिर यहां पे लॉग एक्स को देना है भी के जगह पे और यू के जगह पे कॉस एक्स देना है और बटा में भी का स्क्वायर यानी कि लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। यहां पे आप जानते होंगे फॉर्मूला कि, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या है कि डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स और इंटू आगे जो संख्या है लॉग एक्स लिख देंगे, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। यहां पे डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स बराबर क्या होता है, 1/x, तो यहां पे हम 1/x दे देंगे और इंटू कॉस एक्स और बटा में लॉग एक्स का स्क्वायर
आपने प्रश्न को बिल्कुल बना दिया है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा सजा सकते हैं, वो देखते हैं कैसे सजता है। तो दोनों में से अभी माइनस को रहने दीजिए, यहाँ पे साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, ये माइनस आप लिख सकते हैं इसको कॉस एक्स बटा में एक्स और बटा में लॉग एक्स का स्क्वायर, या इसके नीचे एक्स छुपा हुआ है एक, तो एक और एक्स का लसा एक्स होगा और यहां पे हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स और फिर से माइनस कॉस एक्स और बटा में लॉग एक्स का स्क्वायर। आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब a बटा में b और c बटा में d हो तो पहला जो है वो चौथे के साथ और दूसरे तीसरे के साथ गुना होता है, तो सेम यहाँ पे नीचे भी एक छुपा हुआ है तो चौथा जो है वो पहले के साथ गुना होगा और दूसरा तीसरे के साथ गुना होगा। तो यहाँ पे जैसे का तैसा हम इसको उतार देते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स और प्लस हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स और बटा में ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो चला के जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। और मिलते हैं अगले प्रश्न में। 10 नंबर प्रश्न है कि y बराबर cos log x प्लस ex, तो हम सिंपल यहां पर लिखेंगे क्या कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे हम ये वाला लाइन लिखेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सभी के आगे d बाई डी एक्स होगा। और अगर कोई लोग ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल में जाइए, उसमें मेरे सारे वीडियो को देख लीजिए, आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो यहां पर आते हैं d cos log x प्लस e के पावर x और बटा में dx। अभी इसका अवकलन संभव नहीं है, अभी इसका अवकलन संभव नहीं है। रीजन क्या है? रीजन है मेरा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? d cos x बटा में dx बराबर होता है माइनस साइन x। आप कहेंगे सर ये तो सिंपल है, इसमें फिर क्या ये प्रश्न के ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? तो देखिए फॉर्मूला बहुत कुछ कहता है, अगर फॉर्मूले पे हम ध्यान दें, फॉर्मूले को दें, तो हमें और भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ही हमें सब कुछ बता देता है। तो देखिए ये क्या कह रहा है फॉर्मूला कि d cos x यानी कि cos के साथ जो संख्या लगी हुई है, cos के साथ जो संख्या लगा हुआ है, वही संख्या अगर नीचे d के साथ लगा हुआ होगा तो इसका वैल्यू साइन x होगा। मतलब कि इसका अवकलन तब तक नहीं होगा जब तक cos के साथ जो संख्या है वही संख्या नीचे ना दिया जाए। तो यहां पे अभी इसका अवकलन संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि जो cos के साथ जो संख्या लगा है वो संख्या नीचे नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि d cos log x प्लस e टू दी पावर x अब बटा में d, यहां पे फिर उसी तरीके से log x प्लस e टू दी पावर x, लेकिन गणित हमें इस बात की इजाजत नहीं देती है कि आप हमारे मान में कोई बदलाव करें। हम आपको पहले भी बताए हैं, जो ये हमारे वीडियो को नए पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए हम बता देते हैं कि दो एक संख्या दो है, गणित इस बात की हमें इजाजत देती है कि आप हमारे साथ जो करना है करिए, गुना करना है करिए, आप भाग करना है करिए, जो करना है करिए। इसे हम 10/5 लिख सकते हैं, 20/10 लिख सकते हैं, 40/20 लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं, चाहे 5×2 बटा में 5 लिख सकते हैं, जैसे लिखे हम लिख सकते हैं। गणित हमें इस बात को कहता है कि आप हमारे मान में जो करना है करिए, लेकिन बस शर्त एक ही रखता है गणित हमसे कि हमारे मान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यहां सभी जगह देख रहे होंगे सभी की वैल्यू दो है, यानी कि किसी के मान में कोई बदलाव नहीं है। तो यहां पे भी हम इसके मान में बदलाव नहीं करेंगे और जितना से भाग किए हैं उतना से हमें गुना करना पड़ेगा और फिर बटा में dx। इसे कहा जाता है कि ये संतुलित हो गया, संतुलन श्रृंखला नियम इसको कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। d cos x बटा में dx बराबर होता है माइनस x, तो माइनस साइन और x का काम कौन कर रहा है? ये पूरा का पूरा x का काम कर रहा है, यहां पे log x प्लस e टू दी पावर x,
यहां पे आएंगे, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, d cos log x बटा में dx और d e टू द पावर x बटा में dx, दोनों को अलग अलग लिख दिए हम। एक लाइन और बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए कि d log x प्लस e के पावर x, और यहां पे जब इसका करेंगे हम तो 1 बटा में x और इसका क्या होता है e टू द पावर x। आप इसको यहीं पे कहेंगे कि सर ये आपका आंसर हो गया। तो आपका 5.4 कंप्लीट हो गया है। 5.5 के लिए कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला हम आपको अभी यहाँ पे लिख देते हैं। आप क्या करेंगे, पहले इसको उतार लीजिए और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से चला के देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के फार्मूले के साथ। तो आगे के प्रश्न है 5.5 अगला लेसन है, उसके लिए यहाँ पे हमने सामने कुछ फार्मूला लिखा है। इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि log m n o, log m n o, तो log m प्लस log n प्लस log o, मतलब कि अगर log के साथ कोई चर है जो गुणा के रूप में है तो वो आपस में टूट के सभी संख्याएं log लगा के प्लस हो जाती है। अगर कोई संख्या बटा में है तो log m माइनस n होता है। अगर log m टू दी पावर कुछ है, log m टू दी पावर कुछ है तो n log m होता है। तो चलिए हम इस फॉर्मूला का यूज कैसे होता है वो दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अभी हम अगर यहाँ पे लिखें कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम अभी तक आपको ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताए हैं जिसमें du इंटू वी इंटू डब्ल्यू होता है। होता है लेकिन वो थोड़े से हमारा मामला आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा वो हमें दिक्कत करेगा, तो इसलिए हम वो फार्मूला को नहीं आते हैं। अभी तक जो हम फार्मूला जानते हैं du इंटू वी का जानते हैं, du इंटू वी का जानते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए कि हमें इसका फार्मूला पता नहीं है, तो उस स्थिति में हम लॉग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तीन चर हैं, और अभी अगर दो चर होता तो आप कहते कि सर इसको u इंटू वी पे आप बना दीजिए, आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि तीन चर हैं cos x, cos 2x और cos 3x, इसलिए ये आसानी से u इंटू वी पे नहीं टूटेगा। तो इसलिए हम इसमें अब लॉग का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर यहां पे हो जाएगा लॉग वाई, और सभी के आगे बस लॉग लगा दीजिए, सभी के आगे लॉग लग गया है, इसके आगे भी लॉग और इसके आगे भी लॉग। अब यहां पे आपका ये वाला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, एम एन ओ एम एन ओ, तो यहां पे लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि लॉग एम इंटू एन इंटू ओ इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन और प्लस लॉग ओ। इसलिए लॉग वाई ये सभी चीजें टूट जाएगी, लॉग एम हो जाएगा इन सॉरी प्लस लॉग एन हो जाएगा प्लस लॉग यू भी सॉरी कॉस 3x, यानी कि सभी m इंटू एन इंटू ओ पे टूट गया। आगे चलते हैं, अब यहां पे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो dy बटा में dx इन बराबर यहां से हो जाएगा d log cos x बटा में dx, यहां हो जाएगा d log cos 2x बटा में dx, और यहां हो जाएगा d log cos 3x बटा में dx। आगे बढ़ते हैं, आप जैसे कि जानते होंगे एक फॉर्मूला कि d log x बटा में dx बराबर होता है 1 बटा x, लेकिन कब, जब log के साथ जो संख्या लगा है वही संख्या नीचे d के साथ होगा तब इसका मान 1 बटा x हो जाएगा। तो यहां पे मामला गड़बड़ है कि यहां पे y है और यहां पे x है, तो इसलिए हम इसे ठीक करेंगे। क्या करेंगे, तो d log y और फिर से नीचे y देंगे और जितना से भाग किए हैं उतना से हम लोग गुना करेंगे।
आगे यहां पे भी लॉग के साथ जो संख्या लगा है वही संख्या नीचे चाहिए, तो यहां पे भी हम कर लेते हैं डी लॉग कॉस एक्स और बटा में डी कॉस एक्स, जितना से भागा उतना से गुना। फिर प्लस का निशान है, प्लस दीजिए, इसके साथ भी वही करेंगे डी लॉग कॉस टू एक्स और डी कॉस टू एक्स इंटू डी कॉस टू एक्स, तो नीचे भी हमें टू एक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि cos x बटा में dx बराबर होता है माइनस sin x, मतलब कि जो इसके साथ है वही अगर इसके साथ भी होगा तब जाके इसका अवकलन ये होगा, अगर यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ हो तो उसका अवकलन संभव नहीं है। तो यहाँ पे जब हम इसको ये किए तो यहाँ से 2x तो नीचे भी 2x और फिर जब यहाँ 2x तो फिर यहाँ पे भी 2x। आगे करेंगे d log cos 3x बटा में d cos 3x, फिर डी कॉस थ्री एक्स बटा में 3x और फिर यहां से 3x बटा में dx। सभी को हमने क्या किया है, संतुलित कर दिया है। एक बार फिर से देखिएगा कि यहाँ पे y था तो नीचे भी y दिए हैं, यहाँ जितना भागा उतना से गुना, यहाँ cos के साथ जो संख्या लगा हुआ था वही संख्या हम नीचे दिए हैं, जितना से भागा उतना से गुना dx। यहाँ पे भी ये जो लगा हुआ था वो हम दे दिए, जितना से भागा उतना से गुना, और फिर जो कॉस के साथ जो संख्या लगा है वही संख्या अब नीचे दे दिए। क्यों? क्योंकि इसका अवकलन अभी नहीं होगा, कब? जब इसके साथ जो संख्या लगा है वो संख्या हम इसके साथ ना लगाएं तब। यहाँ पे d 2x यहाँ पे क्रॉस किए, फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पे आगे बढ़ गए। तो हम ये फॉर्मूला वाला लाइन को मिटा देते हैं और हम आगे बढ़ाते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा d log x बटा में dx बराबर क्या होता था, 1 बटा x। यहां पे y है तो ये हो जाएगा 1 बटा y और आगे है dy बटा में dx। यहां पे आइएगा तो d log x बटा में dx बराबर होता है 1 बटा x, तो यहां पे हो जाएगा a1 बटा में cos x। क्यों? क्योंकि x का काम ये कर रहा है, और d cos x बटा में dx बराबर होता है माइनस साइन x प्लस। आगे प्लस का निशान दीजिए, यहां से d log 2x बटा में dx बराबर हो जाएगा 1 बटा में cos 2x और यहां पे कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x और इनटू, यहां ध्यान दीजिएगा 2 बाहर आ जाएगा तो dx से dx कट जाएगा। एग्जांपल दैट 2x बटा में dx है, दो अचर संख्या है बाहर निकल जाएगी और dx बटा में dx कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे भी हम 2 देंगे। आगे के प्रश्न को बनाएंगे, आगे फिर इसी प्रश्न में आगे बनाएंगे, यहाँ पे d log 3x बटा में dx बराबर होता है 1 बटा में x, तो यहाँ पे cos 3x हो जाएगा इंटू यहाँ पे माइनस साइन 3x। क्यों? क्योंकि d cos x बटा में dx बराबर माइनस साइन x और यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1 बटा वाई इंटू डी वाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा ये माइनस साइन अगर ऊपर आ जाए तो ये ला ही दीजिए साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, प्लस ऊपर आ जाएगा तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन 2x बटा में कॉस 2x इंटू टू और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी साइन 3x बटा में कॉस 3x इंटू 3। आगे चलते हैं, इतना बराबर साइन बटा में कॉस बराबर क्या होता है टैन, तो माइनस टैन x माइनस टैन 2x इंटू टू और फिर माइनस टैन 3x इंटू 3। अब देख रहे होंगे कि ये गुना में है भाई, इधर आएगा तो सॉरी इधर भागा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि dy बटा में dx बराबर आप कहेंगे कि सर ये गुना हो जाएगा y इंटू माइनस, आप रहने दीजिए अंदर ही, tan x माइनस tan 2x इंटू 2 और tan x tan 3x इंटू 3। यहां पे y का मान आपको पता है क्या है, y का मान ये है, तो y के जगह पर आप रख दीजिए cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और जो अंदर था उसको अंदर ही रहने दीजिए tan x
माइनस दो अचर है तो अचर कभी भी आगे लिखिएगा टेन टू एक्स माइनस टेन थ्री एक्स और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और इसे आप थोड़ा सा ज़्यादा और मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। जैसे जैसे डिफ्रेंसिएशन आगे बढ़ते जाएगा आपका जिम्मेवारी और बढ़ते चले जाएगा, तो इसलिए पूरे जिम्मेवारी के साथ अपने घर पे पढ़ाई करते रहिएगा, अपने घर पे रहिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और हमसे जितना हो सकेगा हम आप लोगों के लिए करते रहेंगे। थैंक यू। आज यहीं पे हम अपनी क्लास को बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। घर पे रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।